हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिवाली के लिए बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। दिवाली से पहले मेरे बालकनी का मेकओवर का सोच रही हूँ और ये है अभी मेरे बालकनी का लुक। बालकनी का रेलिंग्स में रास्ता गए हैं, सो इनमें मैं कलर करने के लिए सोच रही हूँ। और कलरिंग करने से पहले अनुपल इनको थोड़ा सा साफ करके दे रहे हैं। कलर करने से पहले कलर में मैंने थोड़ा सा थिनर मिक्स किया है। बालकनी के लिए अलग अलग टाइप का आर्टिफिशियल ग्रास ऑनलाइन अवेलेबल है, सो मैं ऑनलाइन ही ग्रास ऑर्डर करूँगी। ऑर्डर करने से पहले बालकनी का अच्छे से मेजरमेंट कर लेना है। कल आफ्टरनून को ग्रास ऑर्डर कर दिया है, 2-3 डेज में डिलीवर हो जाएगा। ये हैंगिंग फ्लावर पॉट होल्डर्स मैंने बहुत पहले ऑनलाइन लिया था। इनको न्यू लुक देने के लिए इनमें व्हाइट कलर कर रही हूँ। आज ही ये ग्रास मैट्स डिलीवर हुआ है एंड ये ग्रास मैट्स का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 35 mm हाई डेंसिटी आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट है। इसका ही 55 mm का भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये कारपेट मेरे बालकनी के लिए थोड़ा सा लॉन्ग है, सो इसको मेजरमेंट करके मैं इसको कट कर रही हूँ। ये कट करना एकदम ही इजी है। इस ग्रास मैट के बैक साइड में ड्रेनेज होल्स है, जिसके कारण वाटर इजीली इसे निकल जाता है। कल इवनिंग को ही मैंने ये प्लांट्स पास के एक नर्सरी से परचेस किया है। ये प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। राइट साइड की वॉल में 3 सेल्फ्स बहुत पहले ही लगाया था। इनमें ये एक मनी प्लांट रख रही हूँ और ये जो स्मॉल पॉट्स है ये मैंने 12 इयर्स पहले ही लिया था। इनको मैंने दिल्ली में परचेस किया था। यहाँ पे मैं रख रही हूँ मैंने बनाया हुआ एक पेंटिंग और ये स्मॉल कैक्टस प्लांट। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि कैक्टस प्लांट को घर के बाहर मीन्स बालकनी में रखना चाहिए। थर्ड सेल्फ पे मैंने ये बॉटल एंड एड्रिड का ये चाइलोफोन रखा है। पॉट्स को मैं कलर करके रखती हूँ। इनको मैंने 3 इयर्स पहले ही कलर किया था, अभी रिकलरिंग का टाइम हो गया है। कलर करने से सिंपल सा पॉट का ही लुक एकदम से चेंज हो जाता है।
सिंपल सा डेकोरेशन से ही बालकनी का लुक कितना चेंज हो गया है ना। कभी कभी घर का ऐसे स्मॉल चेंजेस करने से मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है। प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन प्लांट्स से काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस होती है। आप लोगों को कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। बालकनी का मेकओवर के लिए मैंने थोड़ा सेविंग्स किया था, ये बात आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया ही था। वो सेविंग्स से ही मैंने आज बालकनी का कंप्लीट मेकओवर किया। ग्रास में व्हाइट पेबल्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। 5 किलो का अनपॉलिश पेबल्स मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। मेरे बालकनी के लिए ये 5 किलो से ही कंप्लीट डेकोरेशन हो गया है। ये कॉटन रग एंड कुशंस ऐड करने के बाद बालकनी का लुक और अच्छा लग रहा है ना। मेरे घर में हमेशा लड्डू रहता ही है। स्पेशली वीकेंड के लिए मैं लड्डू बना के ही रखती हूँ। लड्डू के साथ चाय की मजा कुछ और ही है। आज का ये लो बजट सिंपल बालकनी मेकओवर वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बाय बाय एंड सी यू।